नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमने आम तौर पर देखा है बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेशन करने के समय हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट सही देने के बावजूद हमें एक ऑनलाइन पता चलता है या फिर SMS थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है। उस केस में जो भी लोन एप्लीकेंट होता है, वो चाहे बिजनेस करने वाला हो, MSME वाला हो या फिर कोई ट्रेडर हो, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लूज़ हो जाता है। उससे जाकर पता चलता है कि उसका लोन किन कारणों की वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। इन्हीं कारणों में से आपका लोन रिजेक्ट ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जो पॉइंट्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए, इन पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किन बातों को ध्यान में रखकर बैंक्स आपका लोन रिजेक्ट करती हैं। तो आज का टॉपिक है बिजनेस लोन किन वजहों से रिजेक्ट होता है। आमतौर पर बिजनेस लोन यह 10 मुख्य वजहों से रिजेक्ट होता है। उसकी 10 वजह में से पहली वजह है, देखिए इसमें पहला वजह है क्रेडिट स्कोर कम होना, यानी क्रेडिट स्कोर पुअर। जब भी किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का या फर्म का पैन कार्ड से क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, सिबिल चेक किया जाता है, उस केस में उसका से प्रीपेमेंट हिस्ट्री, कैश फ्लो, कितने अकाउंट चालू है, कितने अकाउंट बंद हैं, उसके साथ कितने लोन आपके लोन हिस्ट्री में, लोन कितने आपके करंट में चालू है और कितने बंद हो चुके हैं, इन सब को चेक किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर यह 650 से ऊपर है तो आपको बैंक लोन देने के लिए सोचती है। इसमें आपका अगर आपका इससे कम होगा, उस केस में बैंक्स आपको लोन देने से मना कर देती है, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, जो इनसफिशियंट डेप्ट टू इनकम रेशो, यह बहुत बार बताया नहीं जाता है लेकिन ये इंटरनल कैलकुलेशन है। इस केस में बैंक आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो चेक किया जाता है। इसका बहुत आसान कैलकुलेशन है, यह आप अपने यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपका सालाना इनकम, उसका डिवाइडेड बाय आपको डिवाइड सालाना आपका पेमेंट कितना जाएगा, यह रेशो कैलकुलेट किया जाता है। इसे DSCR रेशो कहा जाता है। जब DSCR रेशो यह 1.1 से आगे होगा उस केस में, या फिर 1 से आगे होगा उस केस में, आपको बैंक लोन देने के लिए रेडी हो जाती है और आपका लोन अप्रूव कर देती है। जब यह DSCR रेशो 1 से कम होगा उस केस में आपको बैंक लोन देने से मना कर देती है। यानी आपको इतना याद रखना है, आपका जो सालाना कर्जे का पेमेंट है यह कम होना चाहिए हमेशा। अगर यह आपके इनकम से ज़्यादा होगा तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। यह पहले चेक किया जाता है कि आप कितने साल में लोन देते हैं, अभी प्रेजेंटली EMI पे करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, इनसफिशियंट कोलैटरल्स। जब भी किसी छोटे व्यापारी को बड़ा लोन चाहिए होता है, उस केस में बैंक बिजनेस लोन की ज़रूरत के लिए उसे सिक्योरिटी के तौर पर विकल्प पूछती है। अगर उसके पास वो विकल्प अवेलेबल नहीं होगा तो बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए सिक्योरिटी न होने की वजह से लोन देने से मना कर देती है। इस यह एक रीज़न होता है। जो फोर्थ रीज़न है, इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो और डिक्लाइनिंग रेवेन्यू ट्रेंड। इसका आप मतलब देखिए क्या होता है। अगर आपके व्यापार से होने वाली कैश फ्लो असेसमेंट में कम है और उसमें से लगातार साल दर साल आपका गिरावट आ रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, बैंक अपने पैसे को डूबते जहाज पर जोखिम डालने को तैयार नहीं होती है, तो बैंक लोन का रीपेमेंट कैसे आएगा इसकी शंका होती है। इस वजह से भी बैंक आपको लोन देने से मना कर देती है। जो पांचवा पॉइंट है, नॉट इनफ टाइम इन बिजनेस, व्यापार में पर्याप्त समय न होना। इसका यह मतलब है, नया बिजनेस है या बिजनेस को चालू होकर 2 साल से कम समय हुआ है, तो बैंक आपको लोन कितने दिन, ये बिजनेस कितने दिन चलेगा, इसका यह गारंटी न होने के कारण आपको बैंक लोन देने से मना कर देती है। यह एक उसका रीज़न होता है। जो छठा रीज़न है, उसमें से एक है इंडस्ट्री कंसर्न, यानी जिस व्यापार में ज़्यादा जोखिम होता है, ऐसे व्यापार मॉडल पर बैंक लोन देने का बहुत कम जोखिम लेती है, क्योंकि
ऐसे व्यापार सबसे ज़्यादा बैंक को हानि होकर लोन रीपेमेंट नहीं आता है। इस वजह से आपको जैसे लोन देने से मना कर देती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रियल रिटेल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, चैनल सेल्स पॉइंट है, और अन्य कई छोटे जो हायर रिस्क वाले बिजनेस होते हैं उसमें बैंक लोन देने को बहुत कम बार तैयार होती है। जो सातवां कर्सन है, जिसमें यह भी देखा जाता है कि कस्टमर बेस, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कैसा है, उसका बिजनेस नेटवर्क मॉडल कैसा है। किसी भी व्यापारी की व्यापार की इनकम यह उसके ग्राहक के नेटवर्क पर निर्भर करती है। अगर उसका किसी एक सीमित दायरे में व्यापार काम होता होगा तो बिजनेस भी सीमित ही होगा। इस केस के कारण किसी बैंक को कई समस्या, अगर किसी समस्या वंश उस बिजनेस में कोई समस्या आती है तो बैंक का लोन का ईएमआई आप पेमेंट कैसा दे पाएंगे, इस पॉइंट को बैंक ध्यान में रखकर उस ग्राहक को लोन देने से मना कर देती है। यह एक व्यापार लिमिटेड दायरा होने के कारण बैंक यह पॉइंट देकर आपका लोन रिजेक्ट कर देती है। यह भी पॉइंट आपको डिस्कस नहीं किया जाता है। जो आठवां पॉइंट है, जिसमें जनरल इकोनॉमिक कंसर्न यानी सामान्य आर्थिक चिंताएं, अगर किसी लोन का एप्लीकेंट का आर्थिक स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है तो वह बैंक लोन का पैसा वापस करने में असमर्थ होगा। बैंक अपने को जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उनका आर्थिक हानि होगा तो पैसा वापस नहीं आएगा। इन सब को सोचकर बैंक लोन देने से मना कर देती है। जो नवा पॉइंट है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट टीम, टीम लीडर और प्लानिंग का अभाव। आप देखिए, कई बार कई बिजनेस में बिजनेस काम करने का प्लानिंग सही न होने के कारण, या बिजनेस को प्लानिंग लीड करने के लिए अगर ओनर ही सब एक्टिविटी करेगा तो इस केस में काम में उतना इफिशेंसी नहीं आएगा, इनकम कम होगा, यह संभावनाएं बैंक सोचती है। इस वजह से बैंक को सोचना पड़ता है कि अगर हमने लोन दे दिया तो हमारा लोन ईएमआई रिटर्न कैसे आएगा, यह एक पॉइंट रहता है। इसलिए अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर कोई डेडिकेटेड पर्सन आप अपॉइंट करते हैं तो वहाँ चांसेस रहते हैं प्रॉपर प्लानिंग से काम होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो बैंक का ईएमआई भी टाइमली जाएगा, यह एक पॉइंट होता है। जो दसवां पॉइंट है, इनकम्प्लीट पेपर वर्क, लोन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़े गए कागजात की कमी होना या बार बार मांगना, इन वजहों से बैंक लोन ऑफिसर बैंक लोन देने से मना कर देता है। यह 10 पॉइंट है जिस पर बहुत बार बैंक बातें नहीं करती है, लेकिन आपका कोई भी रीज़न दिए बिना आपका लोन रिजेक्ट कर देती है। उम्मीद करता हूँ आप बैंक में लोन एप्लीकेशन करने के पूर्व इन बातों का ध्यान देंगे तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। याद रखिए, अगर आप इन बातों को टेक्निकली फॉलो करते हैं तो आपका लोन 100% अप्रूव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।